वालेकुम प्रोग्राम अपने अपने गिरबान में मतीउल जान आज एक अफसोसनाक खबर के साथ थे। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने आए हैं और ए टी आर फोटी टू एक मुसाफर तैयार जो कि चित्राल से वापस इस्लामाबाद आ रहा था हवेलियाँ के करीब गिर कर तबाह हुआ जिसपे पर सैंतालीस के करीब लोग चाँब हुए पाँच जहाज के अमले के लोग थे और बैतालीस के करीब मुसाफिर थे उन मुसाफिरों में जुनेद जमशेद भी जमशेद भी थे जो सबके जाने पहचाने गुलकार और बाद में एक मरूफ़ मुबलग भी बने और आज के इस जहाज़ के हादसे का ये पहला वाक़ नहीं है इससे पहले भी पी आई ए के जहाज़ को हादसा हुए हैं और इस हादसा के हवाले से मुख्त खबरें आ रही हैं और एक खबर कुछ ये भी है कि शायद जहाज़ के एक इंजन में खराबी थी और एक खबर है उस बयान के हवाले से जो कि सेकट्री होवाबाजी की तरफ से अभी तक सामने आया है चालीस मुसाफर थे जहाज़ में करू के अलावा हवेलियाँ के करीब एक गाँव में ये जहाज़ गिर कर तबाह हुआ और अभी तक जो है पच्चीस से ज़्यादा लाशें तकरीबन तीस के करीब लाशें जो हैं वहाँ से निकाली जा चुकी हैं और ये वो जहाज़ हैं जो दो हज़ार सात में पी आई ए के बेड़े में शामिल किए गए थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ए टी आर फोटी टू टाइप मुसाफर तैयार चित्राल से इस्लामाद बाद के करीब हवेलिया के, मुकाम के एक पहाड़ी इलाके में गिरा और हादसे के वक्त बदक में इकतीस मर्द नौ खी दो बच्चों समेत अमले के पांच अरकान सवार थे हादसे का शिकार बनने वाले बदकस्मत मुसाफर तारे पर डी सी ओ चतरालहमद वड़ाइज और मिली नगमे दिल दिल पाकिस्तान से शोहरत पाने वाले माजी के मारूफ गुलनाथ खान जुड़े जमशेद और उनकी अहल्या के अलावा दो चीनी और एक आस्ट्रेलवी इंजीनियर भी सवार थे चित्राल के इलाके में एक पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे फ्रांस और इटली की शराखत से तैयार करदा दो टर्बो इंजन वाला ए टी आर फोर्टी टू टाइप ये तैयारा मुकामी सफर और कार्गो सर्विस के लिए डिजाइन किया गया और उन्नीस सौ चौरासी में दुनिया के कई ममालिक फ़ज़ाई कंपनियों ने इसे हवाई सफर और कार्गो के लिए कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया और पी आई ए के इस बदकिस तैयारे को हादसा कैसे पेश आया इस बारे में तो तहकीकत के बाद ही कुछ कहा जा सकता है ये कोई पहला मौका नहीं कि पी आई ए के मुसाफर त्यारे को हादसा पेश आया इससे कबल भी कई फजाई हादसा हो चुके हैं जिनमें तीन इंसानी जान ज़ाया हुई तशवीश के मुताब की बात यह है कि त्यारे का एक इंजन पहले से खराब था जिसकी तस्दीक सेक्रेटरी शहरी हवाबासी ने भी की है सवाल यह है कि एक ऐसे को जिसका एक इंजन पहले से खराब था उसको उड़ान भरने की इजाज़त कैसे मिली और क्या एक खराब इंजन के साथ त्यारा उड़ान भर सकता है आखिर खराब इंजन वाले त्यारे को फजाई ऑपरेशन की इजाज़त दी ही क्यों गई शायद आने वाले दिनों में इस बारे में मजीद मालूम आवाम के सामने रखी जाएगी और अभी ये भी अतलात हैं कि तयारे में हमारे जो पायलट थे कैप्टन साले यार जंजुआ और उनके जो साथ को-पायलट थे फर्स्ट ऑफिसर बख्तियार जंजुआ और उनके साथ एक अली अकरम फर्स्ट ऑफिसर थे जो इस फजाई रूट के हवाले से तरबियत हासिल कर रहे थे वो भी अब हमें नहीं तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और मेहमानों का तारफ़ कराते चलें हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोस में मौजूद हैं मलिक नासर जो कि शेड्यूल सुपरवाइज़र हैं फ्लाइट ऑपरेशन पीआईए से इनका ताल्लुक़ है और सदर हैं पीआईए इंसाफ फ्रंट लेबर यूनियन के और उनके साथ रशीफ़ माहिम पाकिस्तान के मुमताज़ एक विंग कमांडर रिटायर्ड जफ़र इकबाल जो कि त्यारह हादसा के पाकिस्तान के एक माहिर माने जाते हैं और इन, इन इलाकों में शुमाली इलाका जात में जहाज़ उड़ाने का इनका वसी तजर्बा है सी थर्टी जहाज़ को भी विंग कमांडर रिटायर्ड जफ़र इकबाल ने फ्लाई किया है और इन्होंने इन त्यारह हादसा की जो तहकीकती रिपोर्ट्स हैं विंग कमांडर ने उन तहकीकती जो तरबियत है वो बरतानिया की क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की है हमारी कोशिश है कि हमें टेलीफोन लाइन पर सरदार औरंगज़ेब नलोठा के जो है वो मुस्लिम लीग नून से का ताल्लुक है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे रुकन सूबा असम्बली के पी के से इनका ताल्लुक है और हमारे रिपोर्टर साकिब वर्क भी जो है इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है नुमाइंदा वक्त न्यूज़ हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे भी अपडेट लेते रहेंगे सबसे पहले तो जफर इकबाल साहब मैं आपकी तरफ ही आना चाहूंगा आप के बतौर एक सबक पायलट और आपकी बहुत से पी आई ए के काम से या फ़जाई माहरीन से भी आज के दिन के हवाले से गुफगु हुई अभी तक की जो मालूम जो तकनीकी और दूसरी अहम मालूम हैं वो क्या हैं इस हादसा के हवाले हादसे के हवाले से और इस तैयारे का जो शेड्यूल था उसके बारे में भी कुछ आप बताना चाहेंगे जी ये बिल्कुल एक नॉर्मल फ्लाइट थी नॉर्दर्न एरियाज याशमारी इलाका जहाँ में उड़ना कोई गैर मामूली बात नहीं पाकिस्तान एयरलाइन इंटरनेशनल एयरलाइन या पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये बिल्कुल मामूल की परवाज़ है आ, ए टी आर भी एक नॉर्मल ठीक ठाक जहाज़ है जिसके दो इंजन हैं और ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये दो इंजन का मतलब ये होता है कि अगर आपका एक इंजन किसी वजह से काम से ये हम जहाज़ आपको स्क्रीन पे हमारी कोशिशें दिखा भी देंगे साथ साथ ए टी आर फोर्टी टू जो जहाज़ है छोटा जिनके बारे में ंग कमांडर रिटायर्डफ़र इकबाल बात कर रहे हैं जी जी तो ए, दो इंजन जब होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी सर्टिफिकेशन होती है कि अगर एक इंजन उसका किसी वजह से बंद हो जाए तो ये जहाज़ अपनी पूरी फ्लाइट दूसरे इंजन पर पूरी कर सकता है जैसा पी आई ए के ट्रिपल सेवन जहाज़ हैं अगर वो बहर उकनी अनूस क्रॉस कर रहे हैं और एक इंजन बंद हो जाए तो वो सिर्फ एक इंजन के ऊपर उनमें यह काबिलियत होती है कि पूरा जो समुंदर है क्रॉस कर दें तो ये कोई अजीब बात नहीं इस ये जहाज़ में एक इस ट्रेनिंग फ्लाइट पर भी था क्योंकि इसके ऊपर ट्रेनिंग ऑफिसर थे जो कप्तान थे वो कम्पनेंट आदमी थे और एक हफ्ते के बाद एयर बस थ्री ट्वेंटी की कमांड के लिए जाने वाले थे तो इसका मतलब है कि उनका क्रू भी कंपिनेंट था नहीं। ये मैं अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैप दिखाऊँगा ताकि लोगों की ओरिएटेशन हो जाए ये चित्राल है और चित्राल से नॉर्मल ये जहाज आता है हवेलियाँ और साढ़े तेरह हज़ार फुट की बुलंदी पर उड़ता हुआ आता है तेरह हज़ार फुट मैंने इसलिए लिखा है कि जब उसने चिराट को छोड़ा तो उस वक्त उसकी तेरह हज़ार फुट हाइट थी और उन्होंने उसे चिराट रेडार, 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 रेडार कंट्रोल ये रबतों में रहता है रेडार के साथ जी जी उसके उन्होंने उनको इस्लामाबाद रिडार कंट्रोल पर चेंज करने के लिए कहा जिन्होंने उसको साढ़े नौ हज़ार फुट नीचे आने की इजाज़त दे दी और ये हाइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आगे रास्ते में पहाड़ियाँ हैं लेकिन ये पहाड़ियाँ जो मरगला की हैं ये साढ़े तीन हज़ार फुट मैक्सिमम हाइट है और एक तरीका जिससे हम कैलकुलेट करते हैं सेफ्टी हाइट कि जहाज़ कितना बुलंद हो तो उसको कोई मसला नहीं होगा जो पहाड़ी सबसे बड़ी पहाड़ी है उसकी बुलंदी प्लस उसका दस फीसद और पंद्रह सौ फुट ऑल्टीमीटर के किसी गलती के लिए हम उसमें जमा कर लेते हैं एरर मार्जिन एरर मार्जिन और अगर वो उतना बुलंदो जहाज़ तो है, है तो है तो तो था तो ये बिल्कुल ठीक था जब ये हवेलियाँ के करीब जहाज पहुंचा है तो यकदम इसने कॉल दी है कि मेरे एक इंजन में प्रॉब्लम हो गया उसके उसने मेडे की कॉल मेडे बेसिकली कॉल दी थी ये जो फर्स्ट मे को अमेरिका में हादसा हुआ के बहुत सारे मारे गए थे तो वहां से आया तो मेडे का मतलब ये होता है कि जहाज ये और जिसके ऊपर जो लोग हैं उनकी जान खतरे में, में उससे ये है कि जो कंट्रोलर्स हैं और बाकी पायलट अलर्ट हो जाते हैं और इनकी जो आपस में बातचीत होती है कंट्रोल की और इसकी उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता ताकि इसको मैक्सिमम हेल्प पहुंचाई जा सके आ, इसने बस कॉल दिया है उसके सेकंड्स बाद इसका जो है रबता ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ चेक की इसका रब्ता कंट्रोल से ख़त्म हो गया इसकी कोई कॉल नहीं आई और जो मैंने सुना है कि लोगों ने देखा है कि जहाज़ बिल्कुल ऑन इट्स बैक टर्न करके तो ज़मीन के अंदर चला गया ठीक है तो आपकी आपके नज़दीक आपके ख्याल में ये क्या वजह बनी होगी इस हादसे की तकनीकी अतबार से अभी तक जो आपके पास मालूम आई इसमें मुझे दो चीज़ें नज़र आती हैं पहला है टेक्निकल फेलियर जिसकी वजह से इंजन फेल हुआ जिसकी मुख्तलि वजूहत हो सकती हैं या कि उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाए या उसके अंदर ऑयल प्रेशर सफर हो जाए उससे ये होता है कि वो उसके जो लुब्रिकेशन करता है ऑयल तो वो जब ख़त्म हो जाए तो आपस में रगड़ खा के इसके पुरजे वो टूट जाते हैं और वो इंजन बंद हो जाता है।, है या बर्ड हेट हो जाए परिंदा कोई लग जाए ये मेन ये सारी चीज़ें तो जब और... एक एयरपोर्ट से फ्लाई करता है जहाज तो वहाँ के इंजीनियर्स तो उसकी देखभाल करते हैं उसको चेक करते हैं जी तो वो चेक नहीं हुआ होगा चतराल में क्योंकि ये मामला तो जमीन के ऊपर ही देख के तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि फिट टू फ्लाई जी नहीं ये टेक्निकल चीज़ है जो कि किसी वक्त भी खराबी पैदा हो सकती है जैसे आप अच्छी कार में भी जा रहे हो तो उसमें किसी वक्त खराबी पैदा हो सकती है ये वो चीज़ें हैं जिसको आप गारंटी नहीं कर सकते जे. लेकिन जिस चीज़ को आप गारंटी कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपका एक इंजन फेल हो जाए तो जहाज़ दूसरे इंजन पे उड़ने के काबिल हो जे. और क्रू इतना ट्रेंड हो कि वो एक इस एक इंजन के ऊपर जहाज को उड़ा सके

ठीक है ठीक है, और ये नॉर्मल है कि अगर मतलब जा... आप कहते हैं कि अगर दोनों इंजन काम न कर रहे हो तो की इजाजत नहीं दी जाती में दो अगर एक इंजन काम न कर रहा हो तो इजाजत नहीं देते मगर फिर ये सेक्रेटरी साहब का ये बयान के इंजन की खराबी थी ये उन्हें कैसे पता चला दो किस्म की खराबियाँ होती है एक तो ये है जो पहली दफा हुई हो दूसरी खराबी ऐसी हो सकती है कि जो के पहले हुई हो

आपका क्या रोल होता है पहले थोड़ा सा बता देंगे अच्छा मैम चूंकि पी आई ए के हवाले से बात हो रही है तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा क्योंकि हमारा जो कॉकपिट है बेसिकली वो बड़े कॉम्पिटेंट और इसमें थोड़ा सा ये बता देना आपका जो रोल है बतौर शेड्यूल सुपरवाइजर वो क्या होता जी, है जी हमारे पास ही चूंकि हम ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं ठीक है जो लास्ट जो फ्लाइट डिस्पैच होता है जो फ्लाइट प्लान होता है वो कॉकपिट आके वहीं से लेता है वो अपनी ब्रीफिंग भी वहीं से लेता है वहीं से, हाँ, नहीं 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 से नहीं। फ्लाइट साइन करवा के तो डिप्टी कंट्रोलर जो होता है उसको ब्रीफ करके फ्लाइट के सारे डिफॉल्ट डिफॉल्टॉल्ट जो भी करी फॉरवर्ड सी एफ हुए हो होते हैं है। वो उसको ब्रीफ कर देता तो है तो ये कैप्टन साल यार जंजुआ जब इस्लामाबाद से चित्राल के लिए गए थे तो क्या इन्होंने आपके डिपार्टमेंट से रहा किया जी एग्जैक्टली exactly ये सबसे पहले फ्लाइट ऑपरेशन तशीफ लाए वहाँ पे इन्होंने अपनी फ्लाइट की कंप्लीट ब्रीफिंग ली है और ब्रीफिंग लेने के बट ये दरमियान सामने जो, जो बट ये उन्होंने इनको फ्लाइट के बारे में कंप्लीटली ब्रीफ किया है ठीक है और वो उसके दौरान उसको बताया कि अगर उसमें लेकिन Uh, मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं कि uh, जिस तरह के साहब ने कहा कि कोई भी इंजीनियरिंग जब तक इस जहाज को क्लियर नहीं करती ये जहाज फ्लाई नहीं कर सकता ठीक है कैप्टन भी अपनी अथॉरिटी उसको फ्लाई नहीं करता तो आपके डिपार्टमेंट ने क्लियर किया उसको फ्लाइट को क्लियर किया गया लेकिन उससे पहले इंजीनियरिंग उसका कंप्लीट चेक करती है और इंजीनियरिंग ने उसको क्लियर किया और इंजीनियर्स जो है उस दौरान कोई फ्लाइट जब तक कोई जीरो लेवल का भी उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको क्लियर करती है अगर कोई फॉल्ट हो तो वो उसको कैप्टन भी अप्लाई करने का नहीं करता एग्री करता और वो जब तक उसका फॉल्ट क्लियर ना हो तो इंजीनियरिंग भी उसको क्लियर नहीं तो करता। फिर ये सेक्रेटरी हवाबाजी को कैसे मालूम हुआ कि ये इंजन का मसला उसका मैं ये जिस तरह बता रहे हैं कि इंसिडेंट जब ये हुआ है तो उसमें एक चूके विटनेसेस भी हैं कि लेफ्ट राइट के, लेफ के इंजन में बर्न देखा गया और आग के छोले देखे गए आई विटनेस विटनेसेस आई है वहां विटनेसे अच्छा। की तो जो ओवरऑल भी नजर ये आ रहा है कि उसमें इतना क्विक कोई इस किस्म का प्रॉब्लम हुआ है कि जिसमें लास्ट मोमेंट <kuh> पे विदिन सेकंड्स उन्होंने मेड कॉल दिया और उसमें उनको इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो ए से या दोबारा टावर से या रेडार से कोई रबता कर सकें साथ आर पे कोई किसी किस्म का कप्तान का दोबारा रबता नहीं हुआ उसके साथ इस्लामाद के साथ भी वरना ओवरऑल अक्सर ये होता है कि वो रेडार के साथ या ए पे हमारे स्पेशली आर पे

को तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये इसमें मतलब है इतने ज़्यादा उस लिहाज से आप कहें ना इंसिडेंट्स नहीं हम शो करते सेफ़्टी में इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं कि हमने एयरलाइन के अंदर ही अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे ट्रेनिंग्स जो हैं ट्रेनिंग सेक्शन जो है ये किसी एयरलाइन के पास अपने नहीं है नहीं। ये पी आई ए एक इतनी बड़ी एयरलाइन है जिसके अंदर अपने कराची में पीटीसी है इसका ट्रेनिंग सेंटर है अपने सिमुलेटर्स हैं और बड़े कॉम्पिटेंट किस्म के सीनियर जो लोग हैं इंस्ट्रक्टर्स हैं कैप्टन हैं है। जो उसको ट्रेनिंग कराते हैं और ये कैप्टन भी जो था ये बेसिकली ही इंस्ट्रक्टर

ट्रेनिंग के दौरान क्या उनकी एक्टिव मशागल होते हैं क्या उनके लिए एक तीसरी बैठने की जगह होती है सीट होती है या वो भी को पायलट की जगह ले सकते हैं या पायलट की जगह ले सकते हैं ये क्या तरबियत हो no. है एक्चुअल में जब कॉकपिट के अंदर आपका माहौल बताएं तो उसमें टू कैप्टन आगे ऑपरेट एक फर्स्ट अफसर लेफ्ट पे और राइट पे उसका फर्स्ट अफसर बैठा होता है वो फ्लाई कर रहे होते हैं एक जो बैक साइड पे होती है जिसको जम सीट कहा जाता है जम्प सीट उस सीट के ऊपर जो होता है बेसिकली एक थर्ड होता है लेकिन जब ट्रेनिंग होते हैं ट्रेनिंग्स होते हैं तो ड्यूरिंग फ्लाइट जो होती है वो कैप्टन की डिस्पोजेबल पे है कि वो उसको फ्रंट पे बिठा के साथ ट्रेनिंग कराना चाहता है या उधर बिठा तो को पायलट को हटा के वो को पायलट की जगह ले सकता हाँ, है हाँ बट कैप्टन अपनी सीट पे होता है कैप्टन कभी अपनी सीट रिलीज नहीं करता लेकिन कैप्टन रहे तो जाता होगा मे बी वो लॉन्ग और फ्लाइट्स में और वो नॉर्मली मेरा जहां तक ख्याल है कि इतनी शॉर्ट फ्लाइट्स में ऐसे इश्यूज नहीं होते हैं वो ट्रिपल सेवन में बड़े जहाजों में इस तरह के इशूज होते हैं कि वो फर्स्ट ऑफिसर भी फ्लाई करता है कप्टन और ऑटोज पे होते हैं ज्यादा जहाज है एग्जैक्टली तो तो एक्सपर्ट पायलट चाहिए और दूसरा मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी इस कैप्टन की हिस्ट्री है कि बड़ा कॉम्पिटेंट और साले यार के बारे में किसी किस्म का कोई हम नहीं करते बड़ा तो हाँ तो पाकिस्तानी जितने हमारे क्रू हैं स्पेशली बड़े कॉम्पिटेंट लोग नजर आएंगे बल्कि कई अच्छे ऐसे कॉर्पोरेट के क्रू हैं जिन्होंने बड़े बड़े हादसा से बचाया जहाजों को और उन्होंने अपनी है बहुत चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजिन हमारे साथ मौजूद हैं जफर इकबाल विंग कमांडर रिटायर्ड जो कि एक के त्यारा हादसा के हवाले से तहकीक में एक नाम रखते हैं पाकिस्तान के अंदर एक ब्रेक के बाद के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जफर इकबाल विंग कमांडर रिटायर्ड जो कि एक माहिर हैं त्यारा हादसा के हवाले से विंग कमांडर साहब इस जहाज़ के काकपिट में बाज़ाह तीन अफराद थे एक तो कैप्टन साले आर जनजुआ दूसरे फर्स्ट ऑफिसर बख्तियार जनजुआ और अली तीसरेक्रम फर्स्ट ऑफिसर जो कि जैर तरबियत थे इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे थे इस रूट के हवाले से ट्रेनिंग कर रहे थे तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि जब इस तरह के डिफ़िकल्ट इलाकों में रूट की ट्रेनिंग की जाती है तो क्या एक ट्रेनिंग जो ऑफ़िसर होता है जो जेर तरबियत ऑफ़िसर होता है क्या उसको पायलट की जगह में भी बिठाया जाता है क्या इस बात का इम्कान है कि इस तरबियत के दौरान ही कोई टेक्निकल फॉल्ट डेवलप हुआ हो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है ट्रेनिंग तो आदमी तभी ट्रेन होगा अगर वो सीट में बैठेगा तो पीछे बैठा हुआ आदमी पीछे मुसाफिरों को बिठा के जी जी बिल्कुल ये अच्छा। क्योंकि वो पहले सर हमने तो, तो सुना था आपके बड़े बड़े सैमुलेटर्स होते हैं जो आप ट्रेनिंग उस पर भी करते हैं जी सबसे पहले आप सिमुलेटर पे ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद आके जहाज़ में आप बैठते हैं और सिमुलेटर आजकल इतने अच्छे हैं कि उसके बाद जब आप आके जहाज में बैठें तो आप बिल्कुल डिफरेंशियट ही नहीं कर सकते तो फिर पैसेंजर्स को बिठा के ये ट्रेनिंग देने का कॉन्सेप्ट है कितना रिस्की है बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है इसमें ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है प्रोसीजर क्योंकि ये प्रोसीजर है कि जब आपने सिमलेटर फ्लाई कर लिया तो उसके बाद जहाज फ्लाई करना हमेशा आसान चीज़ है ठीक है सिम्युलेटर ज्यादा मुश्किल होता है और आप रूट को आप देख रहे हैं और एक्चुअल हैंडलिंग कर रहे हैं जो अगर आप सिमलेटर में भी कर चुके हैं ठीक है ठीक है सिमुलेटर में आप इमरजेंसी प्रैक्टिस करते हैं सारी सिमुलेटर में आप सिंगल इंजन प्रैक्टिस करते हैं जैसे इंजन में फायर हो गया तो आपने क्या करना है और उसको एक्टिव प्रैक्टिस कर सकते हैं मगर एक जेर तरबियत पायलट की जगह पे ही बैठा है और इंजन का सीरियस प्रॉब्लम आ जाता है तो वहां पे अगर एक तरबियत याफ्ता को पायलट बैठा हो तो वो सूर्ताल को बेहतर संभाल सकता है या जैर तरबियत एक ऑफिसर नहीं जो कैप्टन है वो इंस्ट्रक्टर है अच्छा उसके पास सारे कंट्रोल होते हैं दोनों के पास इक्वल कंट्रोल्स होते हैं अच्छा और जो कैप्टन होता है वो ये बेसिकली सिंगल पायलट इसको हैंडल कर सकता है ठीक हाँ। है दूसरा पायलट नॉर्मली क्या करता एक है अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तो सिंगल पायलट उसको हैंडल कर सकता कर है। सकता है दूसरा पायलट उसको हेल्प कर रहा होता है रेडियो पे बात कर, करते हुए या जो कैप्टन कहे या अपनी चेक लिस्ट निकाल के इमरजेंसी के चेक्स पढ़ के ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए लेकिन इसमें कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जी को इसमें अच्छा ये मेडे की कॉल जो है ये जिस पायलट ने रेडार से कहा कि मे जे और वी आर इन सीरियस इमरजेंसी ये किसकी आवाज़ थी आ, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं इस चीज़ का जी और दरअसल कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि अगर कैप्टन बैठा हुआ है और कोपायल फ्लाई कर रहा है और इंजन फेलियर होता है और मैं वहाँ बैठाऊँ एज़ अ कैप्टन तो मैं फौरन टेक ओवर कर लूँगा कि मैं फ्लाई करूँगा और ये भी हो सकता है कि फौरन मैं ही कॉल ये ये हो सकता है जैसे मैंने पहले पूछा था कि कैप्टन जो है वो वाशरूम उसको जाना पड़ता है तो फिर कौन हैंडल करता है आ, बिल्कुल ठीक है आपकी बात एक्चुअली तो, पायलट टेक ओवर करते हैं अगर ए, ए, अगर तो कैप्टन ने वॉशरूम जाना ये तो बड़ी छोटी सी फ्लाइट है इसमें उसके जाने का इम्कान नहीं है नहीं होना अगर, नहीं चाहिए अगर वो आ, नहीं हो नहीं होगा लेकिन जब भी डिसेंड करने लगता है जहाज उससे पहले दोनों पायलट हमेशा सीट में मौजूद हों ठीक है तो थर्ड पायलट जो है चाहे जेर तरबियत है उसकी मौजूदगी कॉकपिट में किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है आ, नहीं करती आ, जो जंप सीट पे बैठा होता नहीं है नहीं करती क्योंकि वो आपस में बातचीत करते हैं कैप्टन उसको बताता है कि टेक के वक्त वो एक नॉर्मल चीज है ठीक है इसमें मुझे यह बताया अच्छा, कमांडर साहब चित्राल से जब जहाज उड़ा तो क्या चित्राल एयरपोर्ट के ऊपर भी वहाँ पे कोई इंजीनियर होते हैं जो तो इस जहाज़ का उसी तरह चेकअप करते हैं जैसे इस्लामाबाद में है क्या सहूलियात चित्राल में भी वो है आ, नहीं ऐसे नहीं होता क्योंकि जो मेजर एयरपोर्ट्स होती हैं मेजर हब्स होते हैं उनके ऊपर इंजीनियरिंग फैसलिटीज़ होती हैं जो नॉर्मल जहाँ जाता है उसको टर्न अराउंड आप कहते हैं कि जो कैप्टन है वो नीचे उतर के जहाज़ को बाहर से सारी चीज़ों को चेक करता है एवरी कि ये चीज़ें ठीक हों और उसके मुताबिक ये जो सिविल के जहाज हैं ये उनमें ये इतनी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी होती है कि वो उस एक टर्न अराउंड से उसको अप्लाई करके वापस ला सकते हैं और एक इंजन के साथ भी आप सेफली लैंड कर सकते हैं बिल्कुल सेफली लैंड कर सकते हैं पूरा आप समुंदर क्रॉस तो कर आपके ख्याल में क्या ये दोनों इंजन का फेलियर था जो जहाज गिरा या एक का? नहीं एक इंजन के फेलियर से प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप देखें कि अगर ये दो इंजन है और ये बीच में सेंटर लाइन है और इसकी पावर आपने जीरो कर दी तो उसको जहाज को चलाने के लिए आप इसकी पावर खोलेंगे ये इंजन फास्ट चलेगा ये इंजन डेड है तो है। क्या होगा जहाज टर्न करेगा ठीक है तो उसको आप रडर से जो में रडर पेडल होते हैं उससे देख जहाज को आप सीधा रखते हैं सीधा रख सकते हैं मगर अगर, अगर आप माहिर पायलट हो जेर तबियत अफसर ना हो मेरा ख्याल है ये आप कर सकते हैं कोई इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं ठीक है तो फिर ठीक है ये हो सकता है कि अगर इस इंजन में इतनी ज्यादा आग लग गई है कि ये कंट्रोल नहीं हो सका या इससे विंग, विंग, विंग डैमेज हो गया क्यूँकी अगर विंग सहमत है, कि अब होता ही है कि को आग लगती है तो अंदर प्रोसीजर होते हैं हर इंजन के अंदर फायर इंजन को आप बंद कर को बंद कर देते हैं हाँ। और उसको आग बुझाने वाली जो बॉटल होते हैं फायर एक्सटिंग वो दो लगी होती है वो आप उसको हर इंजन आप उसको फायर करते हैं बोटल को तो वो उसको बिल्कुल बुझा देता है आप ठीक है लेकिन तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन अपेरेंटली ऐसा नहीं हुआ लेकिन अगर वो ना हो आग ना बुझे तो ये और विंग डैमेज हो जाए तो फिर आपके लिए जहाज को सीधा रखना मुश्किल हो जाएगा और या विंग बहुत ज्यादा डैमेज या ये है कि आपने लेट रिएक्शन किया हो ठीक है कि जी वो जहाज़ टर्न कर गया और आपने लेट रिएक्ट किया जो कि मुझे नहीं लगता क्योंकि अगर इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है तो वो इस काबिल होगा कि वो जहाज को सीधा कर ले तो ये नहीं है तो दूसरे लोग शायद इसको नहीं संभाल सकते नहीं नहीं वो भी संभालेंगे एक आम कैप्टन संभालेगा को एक आम को पायलट भी संभालेगा लेकिन कई ऐसी एयरलाइंस हैं जहां को पायलट को वो सेकंड कैप्टन कहते हैं ठीक है ठीक है क्योंकि अगर जहाज को कुछ हो या पायलट को कुछ हो जाए तो उस जहाज को कौन हैंडल करेगा को पायलट हैंडल करेगा और को पायलट इतना कैपेबल होता है कि अगर लट से पायलट फौत हो जाता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो इतना कॉम्पिटेंट होता है कि जहाज को जाके लैंड कर ठीक है इस बात की ट्रेनिंग तो आप लोगों को हमेशा दी जाती है अब भैया हम बात करते हैं कि वहाँ जाए हादसा के ऊपर हादसा तो हो गया उसके बाद फिर जो रेस्क्यू के जो इदारे हैं जो हॉस्पिटल की टीमें हैं और जो मुकामी इंतज़ामिया है उसने कितनी मुस्तैदी दिखाई हमारे साथ मौजूद है सरदार औरंगज़ेब नलोठा जो कि रुकन सूबाई इसम्बली हैं खैबर पुख्तन खास से इनका है और मुस्लिम लीग नून से इनका है। ये मुकामी एम पी ए हैं सरदार औरंगजेब साहब आप हमें अगर सुन रहे हैं तो क्या सूरत हाल थी इंतजामिया का कितना तेज रद्द था और इमदादी टीमें कितनी जल्दी वहाँ पे पहुंची आपके क्या मुशाह है ये जिस जगह पे अब वो मेरा हल्का है और उसमें जहाँ पे जहाज क्रैश हुआ है पाड़ था और अप्रोच रोड वहाँ पे नजदीक कोई भी नहीं था तो तीन कम से कम तीन या चार किलोमीटर पड़ाई पहाड़ी के ऊपर पड़ता था ये, ये हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे वो जाय हादसा दिखा भी रहे हैं जहाँ पे बड़ा मुश्किल एक इलाका है ये आप देख भी सकते हैं जी।, जी।, जी तो ये जाय हादसा जिस जगह पे हुआ है पौने चार बजे ये हादसा हुआ और चार बजे मुझे अतला तो मैंने अपने जितने वो जवार के लोग थे उनको कहा कि मस्जिदों में ऐलान करें और अदा के फसल करम से हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे पहुंच गए चाहते की जगह पे जब वो वहाँ पे पहुंचे लोग तो उन्होंने मुझे बताया कि शोले आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा हिम्मत का मुजाहरा किया और आग में मिट्टी से आप यकीन करें कि घोट वहाँ पे घूट पानी का नहीं था और दूसरा जो था रोड वहाँ पे नहीं था कि वो कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी या फिर और तरीके से वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पहला हेलीकॉप्टर वहाँ कितने बजे पहुंचा जो आपकी कोई ये वहाँ पे हेलीकॉप्टर कोई भी नहीं पहुँचा हेलीकॉप्टर एक आया है जो ऊपर ऊपर से वापस चला गया है और सारा कुछ मैं अपने हल्के के लोगों को खराज तहसीन पे उनकी हिम्मत और जरूरत को सलाम पेश करता हूँ की ये पब्लिक ने सारा कुछ किया है मिट्टी से आग बुझाई है लाशें निकाली है सब इंतजामिया ने भी रोल अदा किया है रेस्क्यू वालों ने भी काफी कोशिश की है लेकिन जो रोड था वहां से तीन चार किलोमीटर नीचे आना पड़ता था वो पहाड़ी थी पहाड़ी थी ऊपर चढ़ते हुए कम से कम आधा पौना घंटा लगता था ठीक है और लोग वहां पे आधे घंटे में पहुंच गए पे कोशिश करके मिट्टी से मतलब आग को बुझाने की कोशिश की और मगर आ, मगर बदकिस्मती से कोई सर्वाइवर वहाँ पे नहीं था इसलिए शायद इमदादी टीमों का भी वहां अगर पहुंच भी जाते तो शायद जाते तो कुछ भी नहीं कर सकते नहीं। थे क्योंकि वहां पे कुछ चीज उनके जाने <coughs> के जराय नहीं थे।, <coughs> थे तो फिर लोगों ने मिट्टी से वो कुछ आई है और फिर लाशों को निकाला है भाई ठीक तो उसमें बहुत से लोगों को पाँव जले हैं हाथ जले हैं ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया जिला के लोग सख्त कमजद आए हैं और पूरा पाकिस्तान कमजद है ये जो हादसा हुआ है ये इंतई अफसोसनाक है हम सब के लिए हम इधर कम्प्लेक्स में अभी यू मेडिकल कम्प्लेक्स में खड़े हैं लाशें यहाँ पे आ रही हैं छैतालीस लाशें निकाल ली गई है अच्छा। एक बच्ची थी शायद वो भी उन्हीं लाशों में से क्योंकि लाशों की शनाथ नहीं हो सकती है झुलस गई हैं लाशें जल गई हैं तो हम यहाँ पे पूरे के लोग इकट्ठे हैं इंतजार कर रहे हैं कि इनके वो रखा पहुँचेंगे और हम उनको वो लाशें जो है उनके हवाले हमने सुना था कि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कोई नादरा की टीमें भी भेजी है तो नादरा की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है और मैं समझता हूँ की अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तरीके से लाशों की शनाख्त करने के लिए लेकिन अभी तक किसी लाश की शनाख्त नहीं हुई है और अभी तक कोई वरसा में से भी कोई किसी लाश का कोई वारस यहाँ पे नहीं पहुंचा है हम पूरे जिले के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं हजारों की तादाद में अजूब मेडिकल कांग्रेस है तो हम देख रहे हैं इंतजार कर रहे हैं कि जो ही उनके वसा पहुंचेंगे तो हम उनकी मदद जो भी हमसे हो सकी हम करेंगे इस तरह तीन को अला के फसल करम से हमारे लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया है अपनी जान की परवाह भी नहीं बुझाने में, 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 लाशों को निकालने में, फिर नीचे रोड में, रोड तक लाने चार पांच किलोमीटर का फासला है, तो मतलब है बहुत शुक्रिया खैबर खा मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है मलक नासिर आप शेड्यूल सुपरवाइजर फ्लाइट ऑपरेशन हैं मुझे ये बताएं कि पहले भी हादसा होते रहे हैं एयर ब्लू का जो इस्लामाबाद में हादसा, हादसा हुआ भोजा एयरलाइन का रावलपिंडी में एयरपोर्ट से लैंडिंग से पहले ही उसका हादसा हुआ उन हादसों से क्या हमारी पीआईए की इंतज़ामिया या जो फ़जाई हवाबाजी का जो शोबा है क्या कुछ सबक सीखते हैं इन हादसा के बाद क्या आप लोगों को इन हादसा की तहकीक़ी रिपोर्ट से आगाह किया जाता है आप लोगों की तरबियत और ख़ास जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने जहाज़ को चेक करना होता है क्या उनको तहकीक़ाती रिपोर्टों से मुतल आगाह किया जाता है और जो जिम्मेदार अफराद होते हैं क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है कोई मिसाल देंगे एयर व्यल्यू और भोजा एयरलाइन के असात के हवाले से एक्चुअली मैं थोड़ा सा वहाँ यहाँ पर हाई लाइट करूँगा कि इस्लामाबाद के, के हवाले से स्पेशली एविएशन में जो हमारे टावर्स के हवाले से रिडास के हवाले से कुछ इतनी बेहतर रिकॉर्ड नहीं है जिसकी वजह से मुख्तफ अदसात हुए हैं जो ऑन रिकॉर्ड है बट उसमें भी जो हमारे पी के कॉकपिट के हवाले से या क्रू के हवाले से इन्होंने बड़ी अपनी एफिशंसिस शो की है आपको शायद मैं ऑन द रिकॉर्ड एक लेके आऊँगा कुछ अर्सा पहले इसी तरह के एक ए एक हमारे फ्लाई कर रहे थे कैप्टन तो एक वी वी फ्लाइट मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त लैंडिंग पोजीशन में थे तो टॉवर ने उसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया वो अपनी टेअप पोजीशन पर वो जहाज़ चला गया जब वो वहाँ पहुँचा तो कैप्टन ने टावर को कॉल किया कि मैं मुझे एक एक एयर से दूसरा जहाज जो लैंड करता नजर आ रहा है अब वो बजाय इसके कि इंटीमेट करता इंटीमेट कर रहे है टावर को जी मुझे नजर आ मुझे आगे नहीं जा रहा थी का थी का है इस्लामाबाद इस एयरपोर्ट का अच्छा और ये जो जहाज नीचे खड़ा था उसमें नवाज शरीफ साहब मौजूद पोजीशन में और

शेख आई थिंक uh, मुझे अब याद नहीं है पूरा अच्छा। शेख साहब थे वो अच्छा कराची कैप्टन है कराची कैप्टन हमारे ए टी आर फ्लाइट के, ठीक है तो उनको बी ए शेख जब एयर पूरी क्लोज थी तो आप जहाज लेके बाद में ऑन द रिक्ड जब पता चला उन्होंने तो बताया गया रनवे की इजाजत वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा हादसा था और वो वीवीआई फ्लाइट के साथ हादसा था इमरजेंसी में क्या किया वो उसने रोक लिए जहाज

के सिग्नल्स दे रहा है जब वो बिल्कुल जहाज टकराने वाला था उससे पहले टावर्स के साथ टावर्स को सर मना कर रहे लेकिन ये है कि वो सच वेदर के सिचुएशन के हवाले से इतनी बेहतर इन्फॉर्मेशन कैप्टन को नहीं मिलती क्योंकि वो आके अक्सर ये गिला करते हैं कि जी जब आ, वेदर्स होते हैं स्पेशली इस्लामाबाद में आपको पता है तो कि बड़ा सीरियस वेदर होता है तेज हवा हो तेज होता है तो उस वो उस तरह की ये प्रॉपर टावर कोऑर्डिनेट नहीं करते जिसकी वजह से बड़े बड़े आ, बहुत सारे जासेज़ होते हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो ऐसा स्वीर किस्म का बड़े जातों का हादसे नहीं हुए मेरा सवाल ये था कि इन हादसा की जो तहकीक की रिपोर्ट होती है क्या इन रिपोर्टों को आपकी तरबियत का हिस्सा बनाया जाता है क्या आप लोगों को जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं जो सर्टिफिकेट देते हैं फिटनेस का फ्लाइंग का क्या उनको बताया जाता है कि यह हादसा की ये रिपोर्ट थी ये वजूहत थी और आपने इन इन चीज़ों पर गौर करना है क्या आप लोगों को बाकायदा तौर पे कोई तरबियत दी जाती है इन रिपोर्टों की बुनियादें नहीं, नहीं। इंक्वाज़ पे बड़ी एक थिंक टैंक्स उसको पर बाकायदा एविएशन एक डिस्कशंस होती हैं लेकिन मैं आपको बताया कि जो इंसिडेंट्स होते हैं अब ट्रिपल सेवन बड़ा सेफ़ फ्लाइट है और थ्रू आउट वर्ल्ड बड़ा सेफ एयरक्राफ्ट है बट ये देख लें मलेशिया के ऊपर नीचे दो इंसिडेंट्स हो गए और बड़े अच्छी एयरलाइंस के अंदर भी इंसिडेंट्स हुए हैं।, हैं अब के मैं ये है कि ये इंसिडेंट तो हो जाते हैं मैं आपसे कुछ जो जानना चाह रहा हूँ कि क्या इन इंसिडेंट से आप लोग कुछ सीखते हैं या आपके इदारे आपको सिखाते हैं या मैं आपको एक चीज बताऊँ हमारे एक फ्लाइट सेफ्टी एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जिसका प्रोसीजर यही है कि वो जिसमें इंडिकेट करता है और पुराने जो एक्सपेरिमेंट्स उनके वो शेयर करता है क्रू के साथ, साथ हादसा है, है क्या इनकी रिपोर्टें आपके तरबियती है या नहीं आई ये तो हमारे इंस्ट्रक्टर जो हैं, है वही बता हैं बट मेरे ख्याल में नहीं है जनाब मैं जफर साहब आपकी तरफ आऊँगा और यही एक सवाल है छोटी सी ब्रेक लेते हैं जहाज के हादसे के हवाले से बात कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र अकबाल और शेड्यूल सुपरवाइज़र फ्लाइट ऑपरेशन भी आई है मलिक नासिर साहब लेकिन माजर साहब ये जो अभी हादसा हुआ है एटीआई फोर्टी टू इस जहाज़ का पहले भी जो है पाकिस्तान में हादसा हुए हैं तो आपके ख्याल में कुछ हमें सीख लेना चाहिए था कुछ हम नया करते हैं कितने पुराने जहाज़ हैं क्या पूरी दुनिया में अब भी ये जहाज़ पैसेंजर्स के लिए पैसेंजर्स के लिए इसी तरह यूज़ हो रहे हैं ए टी आर फोटी टू का मेरे ख्याल पहले पाकिस्तान में जो कोई ख़ास बड़ा हादसा नहीं है अच्छा। uh, एक रन वे के ऊपर स्किड हुआ जहाज़ वो कई वजह से स्किड हो सकता जहाज़ और दूसरा भी कोई इस तरह का मामूली लेकिन ज़्यादातर हादसा पाकिस्तान से बाहर हुए uh, शायद सबसे बड़ा जो आज से कुछ छः सात महीने ताइवान में हुआ था पहले जिसमें जहाज ने टेक ऑफ किया और उसका इंजन फेल हो गया और उन्होंने गलती से पायलट ने जो ऑपरेटिंग इंजन था जो चल रहा था उसका भी थ्रॉटल पीछे कर दिया तो एक उसको हिट करके बिल्डिंग को तो द्रया में जा गिरा पायलट पायलटर दूसरे जो एयर ब्लू और बोज़ा एयर के क्रैशज हैं होना ये चाहिए कि इनकी पब्लिक हों रिपोर्ट्स जिस तरह एयर ब्लू के पब्लिक हुई कोर्ट में मामला गया और उसको काफ़ी तरीके से चीज़ कोर्ट की वजह से कोर्ट कोर्ट की वजह से और ये चीज़ क्योंकि जब तक आप चीज़ को छुपाएंगे आप चीज़ को सीख नहीं सकते जब आप एक चीज़ को पॉजिटिवली डिस्कस कर लें कि जो एक्सीडेंट हो गया जब मैंने यूके में ये कोर्स किया तो वो उनके जब वो कहते जब एक्सीडेंट को देखते थे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ तो उसमें ये नहीं होता था कि आपने ब्लेम किसको करना है उसमें यह होता था आखिरी चीज़ कि आपने इसमें से क्या इसबाक निकालने हैं ताकि ये एक्सीडेंट दोबारा ना हो ठीक तो वो एक पॉज़िटिव सिस्टम था तो हमें भी वो पॉजिटिव सिस्टम अप्लाई करके तो चीज़ों को सामने लाना चाहिए और जैसे आपने कहा कि भाई हमारे वो कोर्सेज का हिस्सा बन जाएं ताकि हम उस वो चीज़ें सीखें देखिए हम ये तो पी आई ए से तो करते कोर्सेज़ का हिस्सा बन जाए मगर आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स में भी कुछ बड़े हादसा हुए ऐसे कि जिनको रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई और क्या ऐसी रिपोर्टे एयरफोर्स के नहीं? अंदर मैं मुसफ अली मीर साहब की बात करूंगा वो रिपोर्ट आज तक जो है सामने आ, नहीं आई अच्छा कि आपने ये बात कर दी वो बड़ा वो फोकर जहाज का जो हादसा था तो उससे हम कौन सीखता है और कहा उस पर बात होती है बात होती है क्या वो तबियती इधारों में उस रिपोर्ट से फायदा उठाया जाता है बिल्कुल फायदा उठाया जाता है और मैं इस मौके पे ये कहना चाहूंगा एक लोगों में जो उस वक्त भी ख्याल था कि अली मीर साहब के, के जहाज़ को टारगेट किया गया ऐसी कोई बात नहीं है ये बिल्कुल एक पायलट एर और नेविगेटर का एरर था कि जहाँ के तीन पहाड़ियाँ थीं और कुछ बादल थे जो कि ब्रोकन क्लाउड सर्विस में थे नहीं मैं सर्विस में नहीं था अच्छा, लेकिन मैं क्वार्टर में ही काम कर रहा था अच्छा, जैसे कि अभी करता हूं तो वो ए, ए, उस पायलट को वो पहाड़ी नजर नहीं आई तो होना ये चाहिए वो दो पहाड़ियाँ साइड पे थी वो ये समझा <laughs> कि ये वैली है तो उसने उसमें डिसम्बली में मालूम दी गई थी उसमें एक मालूम थी કે કે اس جہاز કો આર્મી ફોર્સીસ કી તરફ સે કન્ડમ ડિક્લેર કરકે અનફિટ ડિક્લેર કર દિયા ગયા થા જિસકે باوجود ઇસકો એરફોર્સ કો હવાલિયા કિયા ગયા ઓર વહા પે دوبارہ ઇસે استعمال મે લાયા ગયા ઓર યે ચીઝ મે રિયલ મે નહીં હે વર્ના મે اسકે ઉપર જરૂર ક્યોકી પાર્લામેન્ટ કી જો સ્ટેન્ડિંગ કમિટી થી ઉસમે યે માલુમાત મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ કી તરફ સે બઝાયર યે આઈ થી અ એસે ચીજે હુઈ હૈ मुझे मालूम है क्योंकि हमारे पास इतने बाद जहाज़ नहीं होते तो चीज़ों की लाइफ एक्सटेंड कर दी जाती है एक्चुअली अगर अच्छी मेंटेनेंस कर दी जाए तो जैसे ये पी के जहाज़ हैं ए का आपने सौ...